कमलेश संधु अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम डिश लेके आए हैं पास्ता। इसमें हमने बच्चों के स्वाद का बहुत ध्यान रखा है। ये एक इटालियन डिश तो है लेकिन हम इसमें देसी तड़का लगा के बच्चों का टेस्ट बना के बच्चों को खिलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को बहुत यमी लगेगा। ये मेरे पास पास्ता है, पेने पास्ता बोलते हैं इनको, और मैं इन्हें अब बॉईल करूंगी। तो आइए देखते हैं कैसे बॉईल करना है पेने पास्ता। ये मैंने पानी रख दिया है, जितना मेरा पास्ता है उससे ट्रिपल टाइम इसको मैंने रख दिया है। और ये जैसे बॉईल होने लगेगा मैं इसमें पास्ता डालूंगी। ये मेरा 200 ग्राम पास्ता है और मैंने ये बॉईल करने के लिए बॉईल पानी में डाल दिया है। पास्ता बॉईल हो रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिला देती हूँ। ये हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है तो इसको बीच बीच में चेक करते रहना है, क्योंकि इसमें 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे बॉईल होने में। देखिए ये अब अच्छी तरह बॉईल हो गया है हमारा पास्ता। आप देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट तो हो ही गया है, वैसे वो काफी सॉफ्ट है, तो ये चेक करके आप देख सकते हैं। अब मैं इसे पानी को छान लूंगी। मैंने ये पास्ता पानी से निकाल लिया है और मैं इसको ऑयल करूंगी ताकि ये आपस में चिपक ना पाए, और थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम इसको तैयार करना शुरू करेंगे। करते हैं हम अपने पास्ते को तैयार। इसके लिए मैंने मक्खन गरम कर लिया है और मैं एक बार पास्ते को फ्राई करूंगी। हल्का सा फ्राई करना है, ज्यादा नहीं करना है, और ये ध्यान रखना है कि हमें ये टूट ना जाए, इसलिए आराम से इसे चलाना है। हल्का सा नमक डालूंगी और इसे उतार लेंगे। एक फ्राइंग पैन में हमने थोड़ा सा मक्खन गरम करेंगे, 25 ग्राम मक्खन के आसपास है ये। इसमें हम मैं डालूंगी प्याज हल्का सा भूनने के लिए। लहसुन पेस्ट डालूंगी एक चम्मच। आधा कप प्याज बारीक कटी हुई ली है मैंने, एक चम्मच लहसुन लिया है और इसको मैंने हल्का सा भून लिया है। मैं इसमें डालूंगी टमाटर 3 कटे हुए। मैं आधा चम्मच ओरिगेनो डालूंगी इसमें, चिली फ्लेक्स ले सकते हैं, काली मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार लीजिए। ये मेरे पास पुदीना है 2-3 पत्ते। और मैं इसमें 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप डाल दूंगी। नमक हमें उतना ही मिलाना है जितना कि हमारा इसमें ठीक से चला जाएगा, क्योंकि हमने पास्ते में भी पहले नमक डाला हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। ये अच्छी तरह तैयार हो गया है और मैं इसको इसमें डालूंगी। मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये पास्ता हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है इसमें मसाले में, तो अब हम इसका डेकोरेशन करेंगे। अब हमने सर्विंग बाउल में अपना पास्ता निकाल लिया है और इसको गार्निश करेंगे। सबसे पहले ओरिगेनो डालेंगे। ऊपर से चीज की गार्निश करेंगे। ऊपर से पुदीने के पत्ते से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये पास्ता तैयार है। मुझे उम्मीद है
बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, बहुत यमी लगेगा और बहुत शौक से खाएंगे। तो दोस्तों, हमने पहले भी आपके साथ बहुत सी वीडियो शेयर की हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।